वेलकम टू द फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। सो CGPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है और इस वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ये नया इनिशिएटिव लिया है आप लोगों के बेनिफिट के लिए, और वो है CGPSC प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो पूरे सब्जेक्ट्स हैं उनके सभी टॉपिक्स हम ऑब्जेक्टिव वे में आपको डिस्कस कर देंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स में काफ़ी फ़ायदा हो सके। सो करीब करीब सभी सब्जेक्ट्स डील होंगे इसमें, और हर सब्जेक्ट में से मिक्स बैक क्वेश्चंस आपको डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ आपको MCQs का कलेक्शन देना ही नहीं है बल्कि हर टॉपिक को 4-डायमेंशनल वे में डील करना है ताकि जैसे आप ऑब्जेक्टिव पेपर में देखते हैं वैसे हर तरह के क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा सकें, ये हमारी कोशिश होगी। सो अभी फ़िलहाल मैं आपको एक शेड्यूल बताती हूँ कि अभी 23rd December से लेकर 5th January तक के पर डे आपको मंडे से सैटरडे तक के 3 लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे इस FTR के तहत। सुबह 8 बजे पॉलिटी, शाम को 5 बजे करंट अफेयर्स और रात में 8 बजे छत्तीसगढ़ GS के FTR के तहत आपको MCQs अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये जो शेड्यूल रहेगा ये 5 जनवरी तक मंडे टू सैटरडे रहेगा, और 5 जनवरी ऑनवर्ड्स बाकी के जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके पर डे 3 जो आपके वीडियोज़ हैं FTR के तहत वो लॉन्च किए जाएंगे। तो कोशिश की जाएगी कि PSC प्रीलिम से पहले पहले सभी सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएँ। So let us start with today's polity FTR. Fast track revision course में जो भी subjects के multiple choice question यहाँ पर discuss किए जाएंगे वो सारे ही questions mixed bag से होंगे। इसका मतलब ये है कि topic wise कुछ नहीं होगा यहाँ पर। जिस तरह से एक आप objective question paper में देखते हैं कि हर topic को cover करते हुए total questions resigned हैं, वैसे ही इसमें questions पूछे जाएंगे, topic wise नहीं रहेंगे। ये coincident ही हो सकता है कि एक lecture में आपको 2 या 3 एक ही topic के questions मिल जाएं, ठीक है। तो हर उसमें ऐसा रहेगा कि 8-10-15 जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग चैप्टर्स से हो। ये टॉपिक वाइज रिवीजन कोर्स नहीं है, फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखें। दूसरी चीज ये ध्यान में रखें आप कि इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो तीनों ही लेवल के होंगे, सिंपल भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और टफ भी होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे कि व्हाट व्हेन वेयर वाले भी होंगे, थोड़े बहुत एनालिटिकल भी होंगे, और काफ़ी सारे जैसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं जो आपकी हर सब्जेक्ट्स में आजकल पूछने लगा है PSC में, वैसे क्वेश्चंस भी इसमें मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। आपकी स्क्रीन पर एक के बाद एक क्वेश्चंस फ्लैश होंगे विद ऑप्शंस, उसको हम डिस्कस करेंगे आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। समान नागरिक संहिता कौन से भाग में उल्लेखित है, और आपके ऑप्शंस दिख रहे होंगे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड नन ऑफ द अबव। यस, मैंने कहा था कि सिंपल क्वेश्चंस भी रहेंगे तो हम हर तरह के क्वेश्चंस डील करने वाले हैं, और इसका आंसर सबको पता ही है कौन सा होगा। इट इज बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 44 ऑफ DPSP में है। अनुच्छेद 44 जो है नीति निषेध तत्व का, वो बताता है समान नागरिक संहिता के बारे में। आप जानते हैं समान नागरिक संहिता का मतलब होता है एक ऐसी लिस्ट जिसमें हमारे संविधान ने गवर्नमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं कि जब भी वो कोई पॉलिसी बनाए तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रख कर बनाए। तो उन्हीं में से एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें भारत के हर नागरिक के लिए समान कानून बनाने की अवधारणा रखी गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, क्रीड, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। यदि भारत में आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन के हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपकी शादी या डिवोर्स या इनहेरिटेंस या एडॉप्शन, इस तरह की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो नॉर्मली धर्म से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड रीति रिवाज आप देखते हैं उनको दरकिनार करते हुए इन चीज़ों पर पूरे भारत में एक ही तरह का कानून लाना यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य होता है। सो हालांकि ये इंडिया में अभी लागू नहीं है लेकिन एक गाइडलाइन के तौर पर ये DPSP में रखा गया है। सो डू रिमेंबर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये फंडामेंटल्स फिलोसफीज जो आपके 3 फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP, उनमें से जो DPSP है उसमें दिया गया है, और कहा गया है कि कोशिश की जाए जैसे कि कई सक्सेसफुल कंट्रीज में है कि देश में सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, मतलब कि सेम कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा सके ताकि डाइवर्सिटी को यूनिटी में बदला जा सके।
Is that clear? So, let us move on to the next question now. Aapki screen par second question flash ho raha hoga. Article 40 mentioned in part 4 of the Indian Constitution comes under which principle of DPSP? Anuchhed 40 DPSP jo ki bhag 4 mein diya hua hai, uske किस तरह के अनुच्छेद में आता है, या मैं कहूँ किस तरह की सिद्धांतों में आता है, और आपके ऑप्शंस लिखा हुआ है सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल और नन ऑफ दीज. क्या होगा इसका आंसर? आर्टिकल 40 क्या है? देखिए, जो मैं पॉज लेती हूँ उसकी वजह यह है कि अगर आप पैरेलली से कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद आंसर करने की कोशिश करिए, फिर मैं उसके आंसर आपको बताऊंगी और उसके बाद आप उसके एक्सप्लेनेशन को समझें. तो देखिए, आर्टिकल 40 जो है, हम जानते हैं अभी हमने देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो DPSP का हिस्सा है. तो आर्टिकल 40 भी इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि DPSP का हिस्सा है. एक्चुअली आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के सभी आर्टिकल्स नीति निषेध तत्वों में आते हैं, तो जाहिर है आर्टिकल 40 भी इसी में आएगा. और आर्टिकल 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मतलब कि पंचायतों का गठन. सवाल ये पूछा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, पंचायतों का जो गठन के बारे में बताया गया है डीपीएसपी में, वो किस तरह का डीपीएसपी? अब किस तरह का मतलब, डीपीएसपी वाला लेक्चर अगर आपने मेरा अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा, या खुद आपने अगर खुद से पढ़ा होगा तो उसमें भी देखा होगा कि जितने नीति निषेध तत्व हैं 36 से लेकर 51 तक, उन्हें तीन कैटेगरीज में बांट दिया गया है. पहला समाजवादी यानी कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा गांधीवादी या कि गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल, मतलब कि उदार बौद्धिक सिद्धांत. ये जो तीन कैटेगरीज हैं, इनका मतलब ये है कि ये जो गाइडलाइंस हैं, ये तीन अलग अलग तरह की गाइडलाइंस हैं. एक जो सोसाइटी में इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए रखी गई हैं, तो कुछ ऐसे आपको DPSP मिलेंगे जो समानता पर ज़्यादा बल देते हैं, जैसे इक्वल वेजेस फॉर इक्वल लेबर. ठीक है, कुछ ऐसे नीति निषेध तत्व हैं जो समानता इक्वालिटी पर बल देते हैं. तो कुछ ऐसे हैं जो इंटेलेक्चुअल और लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है उस पर आधारित है, जैसे कि आर्टिकल 50-51, इंटरनेशनल पीस, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड. और कुछ ऐसे हैं जो गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित दिखते हैं. कुछ ऐसे नीति निषेध तत्व जो गांधी जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी या फिलोसफिकल आइडियोलॉजी थी उससे प्रभावित दिखते हैं, जिसमें गांधी जी की सोच डायरेक्टली झलकती है. तो जो क्वेश्चन पूछा गया आपका आर्टिकल 40, वो एक्चुअली गांधीयन प्रिंसिपल है. यस, तो ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गांधीवादी सिद्धांत. तो ये जो गांधीयन प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, गांधी जी चाहते थे कि प्रशासन की जो सुविधाएं हैं वो ग्रास रूट लेवल तक भारत में पहुंचे, एक गाँव का एक छोटा सा व्यक्ति भी प्रशासन में भागीदारी कर सके, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और डेमोक्रेसी को ज़्यादा बल मिले. Is that clear? So Article 40, पंचायतों का गठन, गांधीवादी सिद्धांत. So let us move on to the next question now. तो अगला question जो आपके screen पर flash हो रहा होगा वो है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना किया जाता है, admission और establishment of new state is done by, और आपका पहला ऑप्शन है संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से. तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के ऊपर है. आप जानते हैं कि जब भी संसद में या विधानसभा में राज्य स्तर पर कोई बिल पास करना होता है तो उसमें वोटिंग होती है. केंद्रीय स्तर पर सांसद और राज्य स्तर पर जो विधायक होते हैं, कोई भी विधायी निर्णय जो होता है वो वोटिंग के जरिए लेते हैं, और उसमें बहुमत जिस भी तरफ होता है वो निर्णय ले लिया जाता है. तो ये जो मेजॉरिटी है वो कई तरह की होती हैं, जैसे कि साधारण बहुमत, ठीक, सिंपल मेजॉरिटी. दूसरा होता है आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब कि पूर्ण बहुमत. तीसरा होता है आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी, मतलब कि प्रभावी बहुमत. और चौथा होता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत, जिसके 3-4 प्रकार होते हैं. ठीक है, तो इसमें से सवाल ये पूछा गया है कि जो नए राज्य समाविष्ट किए जाते हैं भारत के संघ के अंदर, उसमें किस तरह की बहुमत की आवश्यकता होती है. तो आप जानते हैं जो हमारा पार्ट 1 है आर्टिकल 1-4 तक के, उसमें बताया गया है कि न्यू जितने भी आपके
स्टेट्स हैं उसको आप इंडिया में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसको कैसे मेजॉरिटी से, और इवन एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसको भी आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, नए राज्य को इंक्लूड भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट को डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसे प्रस्ताव को कैसे बहुमत की जरूरत है, कैसे बहुमत से पास होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब है मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब वर्तमान में उस दिन वोट डालने के लिए जितने लोग मौजूद हैं और जो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके 50% से अधिक लोगों ने अगर वोट फेवर में डाला है तब वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट में जितने भी लॉज बनते हैं, नए अमेंडमेंट्स होते हैं या लॉज बनते हैं, उनमें मैक्सिमम जो आपकी लॉज बनते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से बनते हैं, कुछ एक ही होंगे या मैं कहूँ कंपैरेटिवली कुछ कम ही ऐसे प्रावधान होंगे जिसमें दूसरी तरह की मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, वरना मैक्सिमम अगर आप लिस्ट में देखोगे तो साधारण बहुमत से ही काम बन जाता है, नए राज्यों को समाविष्ट करना भी साधारण बहुमत से ही होता है। इज दैट क्लियर? ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा और वो बहुमत से संबंधित है, उसे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर इज अमेंडेड बाय, राष्ट्रपति के चुनाव एवं उसकी प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, और आपके सामने चार ऑप्शंस होंगे, संसद के साधारण बहुमत से, संसद की विशेष बहुमत से, संसद की विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगेन ये टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें सवाल ये है कि यदि राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया को आपको बदलना है तो आप कैसे बदलेंगे। सो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, आप सभी जानते होंगे कि एक संघीय एलिमेंट है, इट इज़ अ फेडरल फीचर, ठीक है, एक संघीय तत्व है जिसमें केंद्र भी पार्टिसिपेट करता है और राज्य भी। अनुच्छेद 54 को जब आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि जो निर्वाचन मंडल है उसमें केंद्र के सांसद भी इंक्लूडेड होते हैं और राज्य के विधायक भी। तो जाहिर सी बात है अगर आप निर्वाचन की प्रक्रिया में कोई बदलाव करते हैं तो उसके लिए विधेयक जब संसद में आता है तो उसमें आपको राज्यों की सहमति भी चाहिए होगी। याद रखिएगा संशोधन की प्रक्रिया में 368 अनुच्छेद कहता है कि जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं या कोई भी ऐसे फीचर्स हैं संविधान के जिन्हें बदलने पर केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, या मैं एक लाइन में कहूँ या एक शब्द में कहूँ कि संविधान के जितने संघीय तत्व हैं फेडरल फीचर से यदि उन्हें बदलना है तो आपको राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। इज दैट क्लियर? तो इस हिसाब से इन ऑप्शंस में आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन है सी, संसद की विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति, मतलब सेंटर में आपको विशेष बहुमत चाहिए, साथ ही साथ आधे से जो ज़्यादा राज्य हैं भारत में उनकी सहमति चाहिए, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी आपको लोकसभा राज्यसभा में चाहिए, और इंडिया में जितने भी टोटल स्टेट्स हैं, तो मान लीजिए इंडिया में अभी जैसे 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों में आधे से ज़्यादा मतलब 15 राज्यों की कम से कम आपको सहमति चाहिए, और उन 15 राज्यों की विधानसभाओं में भी केंद्र से पारित हो जाने के बाद ये विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा और उन 15 राज्यों में साधारण बहुमत से ये विधेयक पारित होना चाहिए। यहाँ पे विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है, केंद्र में विशेष बहुमत और साथ ही साथ राज्यों में साधारण बहुमत, आधे ज़्यादा राज्यों में साधारण बहुमत मिलेगा तो ये विधेयक जो है वो पारित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, विशेष बहुमत केंद्र में और राज्यों की सहमति। इज दैट क्लियर? सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, भारतीय संविधान में संघीय शब्द परिभाषित किया गया है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल हैज बीन डिफाइंड, और क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो शब्द है फेडरल या संघीय ये कहाँ दिया गया है। ठीक, और आपके ऑप्शंस हैं प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, पार्ट 3 में, 368 में, या कहीं पर भी नहीं। क्या लगता है इसका आंसर? यस, इसका आंसर है आंसर 4, कहीं पर भी नहीं, इट हैज़ बीन नो वेयर मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आपका आर्टिकल 1 कहता है दैट इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, मतलब ये है कि कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है इट इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक, मतलब फेडरल वर्ड का इस्तेमाल हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स
नहीं कहा गया है. सो डू रिमेम्बर कि हम भले ही इम्प्लिसिटली ये जानते हैं कि भारत में अर्धसंघात्मक ढांचा है, क्वाजी फेडरल नेचर है इंडिया का, बहुत सारे फीचर्स हम ऐसे पढ़ते हैं जो अर्धसंघात्मक ढांचे की ओर इशारा करते हैं, पर ये फेडरल वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी अपियर नहीं होता है. तो इसका आंसर होगा आंसर डी, डज नॉट फिगर एनी वे. Is that clear? So let us move now to the next question. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा. विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है और दूसरा कथन दिया हुआ है विधि के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं कि दोनों में से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं, सिर्फ एक, केवल दो, एक व दो और इनमें से कोई नहीं. तो देखिए इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप गौर से देखेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आप जानते होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता, उससे रिलेटेड ये दोनों ही स्टेटमेंट हैं. और जब आप दो चीज़ें पढ़ते हैं, दो चैप्टर्स पढ़ते हैं, एक तो मौलिक अधिकार आप पढ़ते हैं और दूसरा संविधान के स्रोत जब आप पढ़ते हैं तब आपको इसका आंसर मिलता है. ठीक है, एक मौलिक अधिकार आपको पढ़ना पड़ेगा जिसमें अनुच्छेद 14 आपको पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ संविधान के स्रोत पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा सिद्धांत, कौन सा एलिमेंट किस देश से लिया गया. हम जानते हैं कि हमारा संविधान कई देशों से लिए गए प्रावधानों का एक तरह का सम्मिश्रण है और कोई ना कोई कंट्री में जो चीज़ें सक्सेसफुल थी उसको हमने इंडिया के हिसाब से ढालकर इंडिया में डाला. तो आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन ये दोनों ही अलग अलग देशों से ली गई है. कहने का मतलब है कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये AVDIC के रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि के शासन के सिद्धांत से ली गई और AVDIC कहाँ के थे, ये थे ब्रिटेन के. तो स्टेटमेंट वन जिसमें कहा गया है कि ये ब्रिटेन से लिया गया है ये बिल्कुल सही है. ठीक है, क्योंकि AVDIC की रूल ऑफ लॉ का वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ और AVDIC कहाँ के थे, ब्रिटेन के. और दूसरा जो पार्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि सब हमारा जो कानून है वो सबका बराबरी से संरक्षण करेगा, ये वाला जो एलिमेंट है ये US के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. तो इस तरह से स्टेटमेंट 2 भी जो है वो करेक्ट आता है. तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है, एक पहला ब्रिटिश और दूसरा अमेरिका. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, आप देख सकते हैं मैंने कहा था ना कि अब हम थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे और आप PSC के क्वेश्चन पेपर में देखते होंगे कि इस तरह के अवलोकन वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आजकल आने लगे हैं. तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उन पर विचार कीजिए. कहा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, लोक नियोजन में अवसर की समानता. और क्वेश्चन पूछा है उपरोक्त में से कौन से अधिकार भारत के नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार हैं. क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया और फॉरेनर्स सबको प्राप्त मूल अधिकार हैं और उसमें कुछ कूट दिए हुए हैं, कुछ कोट्स दिए हैं और आपको बताना है कि कौन से सही हैं कौन से गलत हैं. तो अब देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली तो इंडिया में रहने वाले नागरिक और भारत में उस समय या किसी भी समय जो भी विदेशी हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो वर्क परमिट लेकर आए हुए लोग हों, चाहे वो वीज़ा के तहत यहाँ पर टूरिस्ट हों, उन सबको कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं जो भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर हैं. उन सब फॉरेनर्स को मौलिक अधिकार हैं एज अलॉन्ग विद द इंडियन सिटीजन. लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए, और वो हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30. 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आपके आर्टिकल्स हैं 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं हैं. तो जाहिर सी बात है इनके अलावा अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में जितने और आर्टिकल्स होंगे वो इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए होंगे. ये सिर्फ इंडियंस के लिए हैं और इनके अलावा जितने हैं इस लिस्ट में वो दोनों के लिए हैं. तो आप देख सकते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है आर्टिकल 14, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस इसका मतलब होता है आर्टिकल 20, फिर अगला दिया हुआ है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब आर्टिकल 21, उसके बाद दिया हुआ है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आर्टिकल 16, उसके बाद दिया हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन मतलब कि आर्टिकल 22.
तो इनमें से कौन सा दोनों के लिए है? तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में से इसमें सिर्फ 16 है, मतलब जो आर्टिकल 16 है वो केवल भारत के नागरिकों के लिए है, बाकी सब यानी 1, 2, 3 और ये फोर्थ फिफ्थ वाला जो है, मतलब इस हिसाब से आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मैंने शायद एक कोई सा कम लिखा क्या, 14 लिखा है, फिर 20 लिखा है, अच्छा एक आपका आर्टिकल 21 भी आता है, ये 21 फिर उसके बाद 21A, ठीक है, तो 21, 21A दोनों के लिए ही है, तो आपका 1, 2, 3, 4, ठीक है, फिफ्थ वाला नहीं आएगा, आर्टिकल 16 नहीं आएगा और सिक्स्थ। तो इस हिसाब से आपका जो कोड दिए हुए हैं उसमें देखिए जो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और सिक्स्थ, ये सही आंसर होगा क्योंकि 16 के अलावा बाकी सब भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन है इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स हैं भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, नीति निषेधक तत्व आयरलैंड से, बिगेस्ट इंपैक्ट ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, 1935 के अधिनियम से हमारा भारत का संविधान सर्वाधिक प्रभावित है, और केशव नंदा भारती मामले के बाद भारतीय संविधान में बदलाव नहीं किया जा सकता। चार स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि इनमें से सही स्टेटमेंट्स कौन से हैं। तो देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से ये स्टेटमेंट्स हैं, कोई सोर्स से रिलेटेड है, कोई संविधान के संशोधन से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कूट कूट दिए हुए हैं, फर्स्ट सही है कि फर्स्ट एंड सेकंड सही है, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, कि चारों सही हैं। तो आप देखिए पहला स्टेटमेंट अगर हम एनालाइज करें कि मौलिक अधिकार यूएस से लिया गया है, ये बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार जो अवधारणा है वो डेमोक्रेटिक कंट्री की है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे ज़्यादा आइडियल कंट्री जिनसे हमने मैक्सिमम चीज़ें ली हैं, वो जिनसे मतलब आइडियल डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ से हमने ज़्यादातर चीज़ें ली हैं आफ्टर ब्रिटेन, वो यूएस है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि मौलिक अधिकार वहाँ से लिया गया। दूसरा स्टेटमेंट नीति निषेधक तत्व, ये भी बिल्कुल सही लिखा है कि ये आयरलैंड से लिया गया, हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। तीसरी चीज़ है कि हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 का अधिनियम का है, वो भी बिल्कुल सही है। हम कहते हैं कि हमारा संविधान 1935 का ही अधिनियम है, बस इसका कवर पेज चेंज किया गया है। तो इस हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों तो सही हैं। चौथा देखिए, आफ्टर द केशव नंदा भारती केस द चेंजेस कैन नॉट बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। केशव नंदा भारती केस 1973 के बाद तो इसके जस्ट ऑपोजिट चीज हुई थी। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान में बदलाव किया जा सकता है पर जो मूलभूत ढांचा है उसे छेड़े बगैर। इस कोर्ट में लिखा है कि केशव नंदा भारती के बाद भारतीय संविधान में बदलाव नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। किया जा सकता है पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कुछ संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत 20 से 23 कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि भारत में सॉवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको आप संशोधन नहीं कर सकते, जिसको बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, उनमें आप संशोधन नहीं कर सकते, बाकी संविधान के सारे प्रावधान संशोधनीय हैं। डिपेंड करता है उस प्रावधान के ऊपर कि वह साधारण बहुमत से होगा कि विशेष बहुमत से या संघीय तरीके से, लेकिन संशोधन हो सकता है। हिसाब से जो फोर्थ वाला कोट है वो गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इज दैट क्लियर? सो अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसमें अगेन कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बाद कुछ कोड या कूट दिए गए हैं, और आपको क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है। बहुत सिंपल सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। देखिए बहुमत, इसमें लिखा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली से संबंधित इन कथनों को देखिए कौन कौन से सही हैं। तो बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, लोकसभा का विघटन। भारत की जो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है उसके संबंध में क्या क्या चीज़ सही हैं। तो देखिए पहला तो बिल्कुल दिख रहा है कि मेजॉरिटी पार्टी जो भी लोकसभा में होगी उसी का रूल होगा, तो इस हिसाब से स्टेटमेंट वन सही है। दूसरा, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट्री सिस्टम की खासियत है कि हमारे यहाँ जुडिशरी तो सेपरेट होती है पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका विधायिका में हस्तक्षेप दिखाई देता है, कॉमन मेंबर्स दिखाई देते हैं, ओवरलैपिंग दिखाई देती है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा है सिस्टम कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिमंडल होता है वो एक्चुअली विधायिका में से ही निकाला जाता है। तो जो ये स्टेटमेंट लिखा है कि विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है यानी विधान बनाने में मंत्री होते हैं क्योंकि मंत्री पहले विधायक होते हैं
फिर मंत्री बनते हैं। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट टू भी सही है। स्टेटमेंट थ्री कहता है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। मेजॉरिटी पार्टी जो भी होगी वो अपना एक लीडर बताएगा और केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर गवर्नर उन्हें लीडर अपॉइंट करेगा और यही लोग डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव यानी कि वास्तविक मुखिया कहलाएंगे भारत की सरकार का, यही कहलाएंगे हेड ऑफ द गवर्नमेंट सरकार के मुखिया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है संसदीय प्रणाली के तहत। और चौथा है डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का विघटन। आप जानते हैं कि लोकसभा एक टेंपरेरी हाउस है जो हर 5 साल में ऑटोमेटिकली विघटित हो सकती है और उस बीच में राष्ट्रपति भी लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो इस हिसाब से चारों ही कूट सही है और इस हिसाब से जो आंसर डी है 1, 2, 3 और 4 ये सारे सही होंगे। इज दैट क्लियर? सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विस्तृत होने का कारण क्या है? इतना डिटेल जो हम कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका क्या कारण है? और आपके सामने कुछ ऑप्शंस फ्लैश हो रहे होंगे कि भौगोलिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है, केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान है, या प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यों का स्पष्ट विभाजन है। तो देखिए, हमारे विस्तृत संविधान का अगर आप कारण देखेंगे और इसमें पूछा है कि कारण नहीं है, कारण नहीं, इनमें से क्या कारण नहीं है, तो पहला जो ऑप्शन है वो तो कारण है भाई। ज्योग्राफिकल फैक्टर, इतना डाइवर्स कंट्री है इंडिया और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी आपको इतनी ज़्यादा देखी जाती है, दिखती है कि यहाँ पर आपको हर तरह के वर्ग, हर तरह के ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए वहाँ पर रहने वाले लोगों के कल्चर से रिलेटेड आपको लॉज बनाने पड़े, इसलिए इतने ज़्यादा डाइवर्स लॉज बने और इसलिए इतने डिटेलिंग हुई। तो पहला ऑप्शन तो सही। दूसरा ऑप्शन ऐतिहासिक कर, 1935 का जो अधिनियम है, 1935 के अधिनियम में उस वक्त के तात्कालिक भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिटेल प्रशासनिक ढांचा गढ़ा ही हुआ था जिसे आप अचानक संविधान लागू करते हुए चेंज नहीं कर सकते थे और 1935 का अधिनियम खुद अपने आप में 10 अनुसूचियाँ 321 धाराओं वाला था और उसे हमने एज इट इज़ इसमें डाला, कुछ थोड़े बहुत संशोधन करके अपने आप में उसमें बहुत सारी 321 धाराएँ थी, इस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल है, तो ये भी एक कारण है। तीसरा है केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। यहाँ पे ऐसा नहीं कि राज्यों के लिए अलग से संविधान है, केंद्र के लिए अलग संविधान है। इतने बड़े स्टेट इंडिया में आपने सेंटर और स्टेट में पावर्स को डिवाइड कर दिया है और वहाँ पर आपको राज्यों के लिए भी और केंद्र के लिए भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बनाने हैं और वो सारे लॉज आप एक ही किताब में लिखोगे, तो इस वजह से वहाँ लॉज की जो नंबर है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, तो डिटेलिंग का एक कारण ये भी है। तो ये तीन कारण तो बनते हैं। पर जो चौथी चीज लिखी है, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यों का स्पष्ट विभाजन, एक्चुअली ऐसा तो है ही नहीं। हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का किसी भी आर्टिकल में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट विभाजन नहीं दिया हुआ है। ऐसा दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री और वो प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा होगा और वे सब मिलकर के भारत की कार्यपालिका के प्रमुख बॉडी के तौर पर काम करेंगे। इनके कार्यों का स्पष्ट विभाजन ना तो दिया है और ना ही ये कोई कारण बनता है भारत के संविधान के डिटेल होने का। तो जो सत्य कथन नहीं है, असत्य कथन पूछ रहा है, तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल फ्रेंड्स। आज के जो कुछ क्वेश्चंस हमको पॉलिटी के डिस्कस करने थे वो इतने ही थे। देखिए, क्वेश्चंस की संख्या हर उसमें 10, 12, 15 के आसपास ही होगी। यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का कलेक्शन देना नहीं है, उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ज़रिए आपके माइंड को एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर करने का है। कोशिश की जाएगी कि रिवाइव करके आपको एक एक क्वेश्चन के ज़रिए वो सारी चीज़ें, वो सारे टॉपिक्स जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रखे हैं उनको बार बार रिवाइज कराया जा सके। इसलिए हर एक क्वेश्चन में हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ताकि आपका वो टॉपिक बार बार रिवाइज हो सके चारों दिशाओं में। ऐसा नहीं कि आप एक टाइप का टॉपिक पढ़ लेते तो उससे पर क्वेश्चंस बन जाते हैं, पर अभी क्या है, 4 डायमेंशनल आपको चीज़ें सोचनी है, इस वजह से क्वेश्चन के नंबर्स कम हैं बट एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज फास्ट ट्रैक रिविजन कोर्स। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।